दोस्तों, जैसे ही हैमस्टर कॉम्बैट से मेरा पैसा आएगा, मैं सीधा सीधा कार खरीदूंगा। देखो, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर टुकुर टुकुर करके पैसा मिल रहा होता तो मार्केट के सारे दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके टुकुर टुकुर ना कर रहे होते। मतलब क्या उनको ऐसी कौन सी व्यवस्था आन पड़ी है उनके अंदर कि वो भाई सुबह 7 बजे उठकर अपनी दुकान पर जाएंगे, शटर खोलेंगे, पूरा दिन तपेंगे, उसके बाद दोबारा शाम को फिर दोबारा वही काम करना है डेली के डेली। अब वो भी तो टुपुर टुपुर करके भैया लाखों रुपए कमा सकते हैं। क्या दुकानदार मूर्ख है? तो द आंसर इज नो। मतलब मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो पढ़ाई छोड़कर टुकुर टुकुर करने में लगे हैं, ठीक है। जो कुछ नया सीखना चाह रहे थे वो उस सीखना बीकना को छोड़ो, टुकुर टुकुर कर रहे हैं। जो लोग अपने कुछ काम माम धंधे देख रहे थे कुछ नया नया, वो भी भैया कुछ नहीं, टुकुर टुकुर और टुकुर टुकुर। चलो मैं ये मानता हूँ, ठीक है, आप कुछ अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो अपन को नहीं मालूम, तो उसके अंदर भैया आप मोबाइल में ही कर रहे हो तो ठीक है, 10-20 मिनट देख लिया दिन में, आधे घंटे एक घंटा देख लिया, नहीं लेकिन पूरा दिन। कुछ कुछ लोग कहते हैं भाई हर 3 घंटे में देखना, भाई 3 घंटे में देखना है, नहीं देखना तो पता नहीं उनका क्या बिगड़ जाता है, तो पूरा दिन ही लगे। तो भैया ऐसा मत करो यार, मैं कह रहा हूँ आप 3 महीने से लगे, उसके बाद अगर आपको 2-4 हजार 5 हजार रुपये मिल भी गए तो क्या मिला बताओ ना, उसमें आप और कहीं अच्छा कुछ काम करके कमा लेते उससे ज्यादा पैसा। तो और बहुत से लोग दोस्तों इसके अंदर 5-5, 10-10 हजार रुपए मेरे जानने वाले हैं, वो लगा चुके हैं, पता नहीं कुछ ऐसा एक्सचेंज खरीदते हैं क्या करते हैं, अपन को नहीं मालूम उसके बारे में। तो एक तो आप टाइम बर्बाद भी कर रहे हो, दूसरा आप पैसा भी लगा रहे हो, और कब, जब आपको कोई पता ही नहीं है कि आपको पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिलेगा। आप 5-10 हजार रुपए उसके अंदर लगा चुके, उसके बाद आपको अगर 2 हजार रुपए मिले तो उल्टा पैसे का भी नुकसान, और जो आपने टाइम बर्बाद किया वो टाइम भी गया, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा आप दूर रहो, पर हाँ ठीक है, अगर आपको कुछ करना ही है इसके अंदर तो 10-20 मिनट दिन में देख लिया। अब ऐसा थोड़ी कि पूरा दिन उसी के अंदर लग रहा है, जिस व्यक्ति का पढ़ने का टाइम पढ़ ही नहीं रहा वो हैमस्टर में टुकुर टुकुर कर रहा है, जो व्यक्ति को काम पे जाना चाहिए था वो काम पे नहीं जा रहा, टुकुर टुकुर करने में लगा है। तो ऐसा थोड़ी कि आपको करोड़पति बना देगा, अगर आपको मिल भी गए 1-2 हजार रुपए तो 3 महीने भी मेहनत के 1-2 हजार क्या वैल्यूएबल है? तो थोड़ा सा सोचो समझो इसके अंदर, अपना पूरा जिंदगी इसी मत गुजारो। मेरे भी कई दोस्तों मेरे से बोल रहे हैं कि तू भाई बहुत पिछड़ गया। अरे मैंने कहा ठीक है यार, पिछड़ गया, आप देख लेना कितना मिल जाएगा आपको। और मैं तो ये कह रहा हूँ भैया मिल जाए, सबने इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेरा विश्वास मानो, मेरे भी कुछ दोस्त हैं इसके अंदर बहुत ज्यादा, पता नहीं अरबों खरबों संघों कौन इकट्ठे कर चुके। मैं ये कह रहा हूँ भैया उनको मिल जाए यार, उनको आईफोन दिला दे भगवान, और कॉइन बेच कर जो भी मिले उनको मिल जाए, पर कोई गारंटी तो हो, गारंटी मेरे को कोई दे दे, मैं इसी में मतलब दिन रात इसी में लगा दूं, लेकिन गारंटी नहीं है तो भाई मैं उसके अंदर क्यों जाऊं। मैं तो सभी से ये कहूंगा कि आप 10-20 मिनट जाना चाहते हो ठीक है, इसके अंदर काम करना चाहते हो करो, आधे घंटे करो एक घंटा करो, पूरा दिन ही लगे हैं इसके अंदर तो वो मेरे हिसाब से सही नहीं है भैया। कुछ लोग पैसा भी लगा रहे हैं तो आपका पैसा भी दो पे ही है, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई पता नहीं है, तो पैसा तो लगा ही मत, टाइम भी इसके अंदर थोड़ा लिमिटेड दो अगर देना है तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका क्या विचार है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।